दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी होता है ना कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में नया विंडोज इंस्टॉल करवाते हो तो वहां पे आपको क्रोम ब्राउजर कहीं पे भी शो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक ब्राउजर मिलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से होता है। ये जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, जब आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करवाते हो तो यहाँ पे ये ब्राउजर आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पूरा अच्छे से वॉच करना है सीखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, मैंने यहाँ पे टास्क बार में रखा है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह का कुछ लोगो है और मैंने इस ब्राउजर का जो शॉर्टकट है मैंने अपने डेस्कटॉप में भी रखा है, तो कुछ इस तरह का लोगो है इसका। दोस्तों इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को यहाँ पे भी आप नीचे टास्क बार में सर्च करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट में शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है डाउनलोड क्रोम फॉर पीसी। सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वेबसाइट का जो एड्रेस है ध्यान से देखना है, support.google.com क्रोम डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल क्रोम, आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर में विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, तो सिंपली जैसे यहाँ पे इंस्टॉल क्रोम ऑन विंडोज, विंडोज के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड द इंस्टॉलेशन फाइल। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा कि मैसेज आ रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स लेफ्ट, योर डाउनलोड विल बिगिन ऑटोमेटिकली इफ इट डिड नॉट स्टार्ट डाउनलोड क्रोम मैनुअली। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है तो सिंपली आपको यहाँ पे मैनुअली डाउनलोड करना है। मैनुअली डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड क्रोम मैनुअली पे क्लिक करना है। तो जैसा कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का जो सेटअप है वो डाउनलोड हो गया है, सिंपली यहाँ पर आपको ओपन फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग स्पीड होगा आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा उस पर वैरी करता है। डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉलिंग का जो प्रोसेस होगा आपके कंप्यूटर में वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर में जो क्रोम ब्राउजर का शॉर्टकट है वो क्रिएट हो गया है डेस्कटॉप में। अब सिंपली आप अपने क्रोम ब्राउजर पर डबल क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर कैसे डाउनलोड करते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।